हेलो एवरीवन, आई एम संदीप बोरियाले। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय रीवा। सब्जेक्ट सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। टॉपिक ब्रीडिंग मेथड ऑफ मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन, चलिए मास सिलेक्शन के बारे में जानते हैं। मास सिलेक्शन रिफर्स टू अ मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट इन विच इंडिविजुअल प्लांट आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप फ्रॉम अ मिक्सड पॉपुलेशन। देयर सीड्स आर बल्क्ड एंड यूज्ड टू ग्रो नेक्स्ट जनरेशन। जो मास सिलेक्शन होता है, मास सिलेक्शन में बड़े पैमाने पर फसल चयन के सुधार के तरीकों को संदर्भित करता है। इसमें मिश्रित आबादी के फिनोटाइप के आधार पर व्यक्तिगत पौधों का चयन किया जाता है। उनके बीज क्या होते हैं, थोक होते हैं, वे अगली पीढ़ी को उगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये जो मास सिलेक्शन होती है, ये बहुत पुरानी विधि होती है क्रॉप इम्प्रूवमेंट की। एप्लीकेबल टू बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज। यह सिर्फ किस पर उपयोग किया जाता है, स्व परागण और परपरागित जातियों पर। फिर जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपीरियर जेनोटाइप फ्रॉम अ जेनेटिकली वेरिएबल पॉपुलेशन। इसमें अनुवांशिक रूप से परिवर्तनीय आबादी से बेहतर जीनोटाइप की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। मास सिलेक्शन के उद्देश्य होता है प्योरीफाई और मिक्सड पॉपुलेशन विथ डिफरिंग फिनोटाइप। इसमें दूसरा जो होता है, अलग अलग फिनोटाइप वाली मिश्रित आबादी को शुद्ध करना होता है, इसका उद्देश्य। फिर तीसरा होता है डेवलप अ न्यू कल्टीवर बाय इम्प्रूविंग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द पॉपुलेशन। तीसरा जो होता है, आबादी के औसत प्रदर्शन में सुधार करके एक नई कल्टीवर विकसित करना। फिर तीसरा जो होता है, इसके द सक्सेस ऑफ मास सिलेक्शन डिपेंड ऑन। ये जो मास सिलेक्शन की सफलता होती है, किस पर डिपेंड करती है। पहला तो होती है वेरिएबिलिटी इन बेस पॉपुलेशन पर करती है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर टू बी इम्प्रूव्ड पर करती है, हेरिटेबिलिटी ऑफ दी कैरेक्टर पर करती है, ओलिगोजेनिक रिसेसिव कैरेक्टर देन पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स पर करती है। फिर जो होता है इसके स्टेप्स ऑफ मास सिलेक्शन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं मास सिलेक्शन में। पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पॉपुलेशन। दूसरा सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द बेस्ट पॉपुलेशन। तीसरा मिक्सिंग देयर सीड्स टू रेस नेक्स्ट जनरेशन। तीसरा एवलेशन इन फील्ड ट्रायल्स। चौथा पाँचवा रिलीजिंग एज अ न्यू वेराइटी। पहला तो होता है इसमें आधा जनसंख्या का चयन करना, आधा जनसंख्या से वांछनीय पौधों का चयन करना। फिर तीसरा होता है अगली पीढ़ी को पालने के लिए उनके बीजों को मिलाना। तीसरा जो होता है क्षेत्र परीक्षणों का मूल्यांकन करना। पांचवा जो होता है एक नई किस्म के रूप में किसी वेराइटी को जारी करना। फिर इसका जो होता है प्रोसीडर जो होता है, इसमें पहले जो फर्स्ट ईयर में जो होता है फ्रॉम अ वेरिएबल पॉपुलेशन 200 टू 2000 प्लांट्स विद सिमिलर बट डिजायरेबल ट्रेड्स आर सिलेक्टेड। दूसरा होता है द सीड फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट आर कंपोजिट। इसमें जो होता है प्रथम वर्ष में एक चर आबादी से समान लेकिन वांछनीय लक्षणों वाले 200 से 2000 पौधों का चयन किया जाता है। जैसा होता है चयनित पौधों के बीजों को मिश्रित किया जाता है। फिर सेकंड ईयर में द कंपोजिटेड सीड इज प्लांटेड इन अ प्रीमली यील्ड ट्रायल अलोंग विद स्टैंडर्ड चिक्स। इसमें कंपोजिट बीज को मानक जांच के साथ प्रारंभिक उपज परीक्षण में लगाया जाता है। फिर फिनोटाइप ऑफ द सिलेक्टेड पॉपुलेशन इज क्लियरली इवेल्युएटेड। इसमें चयनित जनसंख्या के फिनोटाइप को स्पष्ट रूप से मूल्यांकन किया जाता है। फिर थर्ड टू फिफ्थ ईयर में प्रोमोसिंग सिलेक्शन आर इवेल्युएटेड इन कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स एट सेवरल लोकेशन। इसमें कई स्थानों पर समेत उपज परीक्षणों में आशाजनक चयनों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर एट आउट स्टैंडिंग रेस्ड एज अ न्यू वेराइटी, एक नई किस्म के रूप में उभरा हुआ होता है। फिर सिक्स्थ ईयर में इसमें सीड मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसके जो मेरिट के बारे में जानते हैं, इसमें गुड मेथड फॉर ओल्ड एंड लैंड रेसेड वेराइटी। यह पुरानी और भूमि दौड़ किस्मों के लिए अच्छी होती है। गुड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्रूव वेराइटी, यह उन्नत किस्मों के शुद्धिकरण के लिए अच्छी होती है। मोर स्टेबल देन प्योर लाइन ड्यू टू हेट्रोजेनिटी विषमता के कारण शुद्ध रेखाओं से अधिक स्थिर होती है। गुड प्रोटेक्शन अगेन डिसीज एंड पेस्ट, यह अच्छी सुरक्षा होती है डिसीज एंड पेस्ट से। सिंपल एंड क्विक मेथड फॉर इम्प्रूवमेंट, यह सुधार के लिए सरल और त्वरित तरीका है। एप्लीकेबल
इन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज, यह स्वयं और परपरागित प्रजातियों में लागू होती है। फिर इसके जानते हैं डिमेरिट्स के बारे में। द डेवलप द थ्रोक मास सिलेक्शन सो वेरिएशन एंड आर नॉट यूनिफॉर्म एज अ प्योर लाइन वेराइटी। इसमें बड़े पैमाने पर चयन के माध्यम से इतनी विविधता और शुद्ध लाइन विविधता के रूप में नहीं समान नहीं है। फिर द इम्प्रूवमेंट थ्रोक मास सिलेक्शन इज जनरली लेस देन डेट कुल्ड बी अचीव्ड थ्रोक प्योर लाइन सिलेक्शन। इसमें बड़े पैमाने पर चयन के माध्यम से सुधार आमतौर पर शुद्ध लाइन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन द अब्सेंस ऑफ प्रोजेनी टेस्ट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन इफ द सिलेक्टेड प्लांट आर होमोजाइगस। संतान परीक्षण के अभाव में यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि चयनित पौधे संयुग्मजी है या नहीं है। ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ प्योर लाइन वेराइटी मास सिलेक्शन इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। इसमें शुद्ध लाइन किस्म की लोकप्रियता के कारण बड़े पैमाने पर चयन आमतौर पर स्वपरागित फसलों के सुधार के लिए उपयोग नहीं किया जाता। थैंक यू एवरीवन।